सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, ए स्टैंडर्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हम 7 स्टैंडर्ड में संस्कृत पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं पुनरावर्तन सेशन में आप सबको कारक और विभक्ति के बारे में बताऊंगी। हम सब जानते हैं कि क्रिया के साथ जो शब्दों का सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा शब्दों का 8 कारक में बांटा गया है, जो यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। हमारी 7 विभक्ति और 8वां संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति जिसका नाम है कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति जिसका नाम है कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति को अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति को अधिकारण कारक और संबोधन कारक कहा जाता है। इसके प्रत्यय इस प्रकार है। प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है ने, कर्म कारक का प्रत्यय है को, करण कारक का प्रत्यय है से के द्वारा, संप्रदान कारक का प्रत्यय है को के लिए, अपादान कारक का प्रत्यय है से। लेकिन तृतीय और पंचमी में ये तफावत है कि तृतीय विभक्ति जोड़ने का काम करती है और पंचमी विभक्ति में जो से आता है वो पृथक होने का, अलग होने का भाव दिखाती है। इसके बाद आता है संबंध कारक, जिसके प्रत्यय है का, के, की, ना, ने, नी, रा, री, रे, ठीक है। अधिकरण कारक का प्रत्यय है मैं और पर, और संबोधन में है अरे ओ। इस तरीके से 7 विभक्ति और 8वां संबोधन होता है। इस तरीके से विद्यार्थी मित्रों, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग और उकारांत इकारांत ये सब हमारे शब्द रूप बनते हैं। तो मैं आज आप सबको राम के शब्द बोल के दिखाती हूँ। जैसे कि रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे रामः। इस तरीके से अकारांत पुल्लिंग के प्रत्यय बनते हैं। जहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बालक के प्रत्यय दिए हुए हैं। प्रथमा विभक्ति बालकः, बालकौ, बालकाः, इसका अर्थ होता है एक बालक ने, दो बालकों ने, सब बालकों ने। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान, इसका मतलब है एक बालक को, दो बालक को, सब बालकों को। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, एक बालक से, दो बालकों से, सब बालकों से। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालके व्यह, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, सब बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालकात, बालकाभ्याम, बालके व्यह, एक बालक से, दो बालकों से, बालके अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम, एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु, एक बालक में पर, दो बालकों में पर, और सब बालकों में पर। और लास्ट में आता है संबोधन, हे बालकाः, हे बालकौ, हे बालकाः, हे बालक, हे दो बालकों और हे सब बालकों। इस तरीके से बच्चे आप सब आपकी नोटबुक में ये सब लिख लेना। और इसके बाद आप सब लता, मुनि, कवि और नदी के रूप भी लिख लेना। धन्यवाद छात्रों।